लखनपुर में जो हमारा कॉरिडोर है, जो वहाँ पे हमारा सिक्योरिटी अपरेटिस लगा हुआ है, उसमें हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ यहाँ पे नारकोटिक्स की पेडलिंग की खबरें आ रही थी, और उसी सिलसिले में आज हमने एक स्टैचू पॉइंट के पास एक बस जो कि यूपी नंबर की थी 81CT3952, जब उसको रोका गया और उसकी तलाशी ली गई तो उसमें से दो लोगों को अरेस्ट किया गया है, और एक का नाम नदीम है सना मोहम्मद शमीम, ये कुरैश नगर दिल्ली के हैं, और दूसरा जो है शकील है सन ऑफ मोहम्मद शबीर, ये भी सेम लोकेलिटी का है न्यू दिल्ली का, और इनसे दो बैग मिले हैं और इनमें 200 करके क्रैक्स की जो कप सिर्फ बॉटल्स हैं, और जिसमें बैंड सब्सटेंस है और कोडीन फॉस्फेट जिसको हम बोलते हैं वो मिली है, और इन दोनों को अरेस्ट करके लखनपुर पुलिस स्टेशन में बंद किया गया है। देखिए ऐसा है कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने कहा कि हम घूमने जा रहे थे, कोई कभी कह रहे हैं जम्मू जा रहे थे, कभी कह रहे हैं श्रीनगर जा रहे थे, लेकिन बहरहाल जो क्वांटिटी ऑफ नारकोटिक्स या ड्रग प्रेस्क्राइब ड्रग इनके पास है वो यहाँ पे बैंड भी है, मिसयूज भी होती है, और हम ये मान के चलते हैं कि ये ड्रग पेडलिंग के लिए ये लेके जा रहे थे। उसी सिलसिले में इसमें एक FIR हमने 75 जो है वो NDPS एक्ट में लखनपुर पुलिस स्टेशन में दी है, और इसके साथ साथ आपकी आज ही के दिन उसके बाद एक और आदमी को पकड़ा गया है, वो भी लखनपुर में पकड़ा गया है, जिससे करीब करीब 170 बैंड इंजेक्शन जो हैं वो मिले हैं, और 800 टैपनाडोल की एक बैंड टैबलेट्स हैं वो भी मिली हैं, दोनों कमर्शियल क्वांटिटीज़ के हैं। इसमें एक आदमी को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम सुमित शर्मा है, सन ऑफ ओमकार शर्मा, RO मालनई, तहसील भदरवा, डिस्ट्रिक्ट डोडा का है, एट प्रेजेंट तोप शेरखानिया जम्मू में रहता है। ये खुद भी लड़का ड्रग एडिक्ट है, और इसने कन्फेस भी किया कि हाँ मैं खुद भी ड्रग एडिक्शन में हूँ, और इसलिए ये दिल्ली में जाके लेके आ रहा था, और ये ड्रग पेडलिंग भी करता है।